रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में तैयारी जोर शोर से चल रही है और इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई नई जानकारियां साझा की हैं। जनवरी पौष शुक्ल द्वादशी भारतीय कालगणना में कूर्म द्वादशी है, अभिजित मुहूर्त है, मृक्षरा नक्षत्र है। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर प्रारंभ होगी। प्राण प्रतिष्ठा की का ये मुहूर्त श्रद्धेय गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ वाराणसी इन्होंने निर्धारित किया है। जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो आप सब जानते हैं, पत्थर की है। हमारे अनुमान से 150 किलो से 200 किलो के बीच में उसका वजन होगा। 5 वर्ष का बालक का स्वरूप। 18 जनवरी को प्रतिमा गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा शायद दोपहर के 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। 12:20 से प्रारंभ होकर 1 बजे तक पूरी हो जाएगी, ये प्लानिंग की जा रही है। सभी महानुभाव विशिष्ट जन, माननीय प्रधानमंत्री जी, डॉक्टर मोहनराव भागवत, मुख्यमंत्री महोदय अपने मनोभाव प्रकट करेंगे। मनोभाव भाषण शब्द अच्छा नहीं है, मनोभाव ये बड़ा ही विशेष आयोजन है। नृत्यगोपाल दास जी महाराज अपना आशीर्वाद देंगे। सरोवर, अमरनाथ, गंगोत्री, हरिद्वार, प्रयागराज का संगम तट, नर्मदा, गोदावरी, नासिक, गोकर्ण कर्नाटक का वहां समुद्र है, अनेक स्थानों का जल आया है। तमाम लोग श्रद्धा पूर्वक अपने अपने स्थानों का जल और रज यहां ला रहे हैं। सामान्य परंपरा है हमारे आपके सबके घर की, कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष को विवाह के बाद भेंट देते हैं। अब ये तो बालक है 5 साल का, लेकिन परंपरा तो परंपरा ही ठहरी। तो नेपाल का, दक्षिणी नेपाल का जनकपुर, वीरपुर, वीरगंज, ये मिथिला से जुड़ा हुआ क्षेत्र, 1000 टोकरों में भार, भार मतलब भेंट लेकर आया। जनवरी 21 जनवरी को विचार चल रहा है, दर्शन बंद रहेंगे। भगवान का दर्शन, पूजन, आरती, भोग, शयन और जागरण पुजारी कराएंगे और अंदर जितने लोग रहते हैं वो उसमें उपस्थित रहेंगे। समाज आज जो 30,000 तक 25,000 से 30,000 दर्शकगण श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं,
वो 20 और 21 को हम बंद करने का विचार कर रहे हैं ताकि अंदर की व्यवस्थाओं में हमें सरलता हो सके। छह बजे के पश्चात अपने घर का जो सबसे बाहरी दरवाजा है वहां पर दीपक, 5 दीपक अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए, अपने हृदय की संतुष्टि और आनंद को प्रकट करने के लिए जलाओ। उछल कूद इससे ज्यादा महत्वपूर्ण दीप जलाना। राम संपूर्ण भारत के सब राम जी के ये दृश्य संसार के सामने जाए। हमने भारतवर्ष में जितने प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, भारतीय परंपरा, भारतीय परंपरा, ऐसे गायन नहीं वादन, उत्तर प्रदेश का पखावज, बांसुरी, ढोलक, मैं कागज तो दिए जाएंगे सबको, कर्नाटक का वीणा, महाराष्ट्र का सुंदरी, पंजाब का अलगोजा, उड़ीसा का मर्दल, मध्य प्रदेश का संतूर, मणिपुर का पुंग, असम का नगाड़ा और काली, छत्तीसगढ़ का तंबूरा, बिहार में भी पखावज है, दिल्ली की शहनाई, राजस्थान का रावण हत्था, बंगाल का श्रीखोल सरोद, आंध्र का घटम, झारखंड का सितार, गुजरात का संतार, तमिलनाडु का नागस्वर मृदंग और उत्तराखंड का हुड़का, ऐसे वाद्य यंत्रों का वादन करने वाले अच्छे से अच्छे वादकों का चयन किया गया है। ऐसा लगता है कि केवल 22 तारीख को ही 25 से भी अधिक चार्टर्ड प्लेन आने वाले हैं। संभवतः 18, 19, 20, 21 का भी विचार कर ले तो शायद अपने विशेष यान या हेलीकॉप्टर से आने वालों की संख्या 100 हो सकती है। परिस्थिति के अनुसार दर्शन का समय रात्रि में बढ़ाते रहेंगे, अधिक से अधिक लोगों को उसी दिन दर्शन हो जाए। बाईस जनवरी को सभी गृहस्थों के संतों के दर्शन के पश्चात हम ये भी सोच रहे हैं कि आप सबको भी 22 जनवरी का अंदर का दृश्य दिखाया जाए अपने कैमरों के साथ। 22 जनवरी का ये कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा ये आयोजन एक ऐसा आयोजन है जो कभी हिंदुस्तान के स्वतंत्र भारत में नहीं हुआ होगा, जिसमें नामों का चयन करके संतों को और समाज को आमंत्रित किया गया है। रामलला मंदिर में विराजने जा रहे हैं और ऐसे में राम भक्तों के आनंद की कोई सीमा नहीं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद 23 जनवरी से देश भर के भक्तगण रामलला के दर्शन कर सकेंगे। सुहावनी उत्तर दिशि भय सरजू पावनी, राम संबोधन है, राम संवेदना है, राम अभिवादन है, राम संकीर्तन है। अयोध्या बदल रही है, उसका विस्तार हो रहा है। हमारे साथ अयोध्या का संत समाज मौजूद है, क्योंकि कहा जाता है कि संत समाज का आईना होता है। राम की पैड़ी पर जो संत समाज है हम उनसे जानते हैं
कि ये जो अयोध्या का बदलाव है, ये जो अयोध्या का परिवर्तन है, ये क्या कुछ कहता है। महाराज जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम मुक्तामणि शास्त्री, भागवत कृपा सेवाश्रम अयोध्या जी से। मुक्तामणि जी, अयोध्या बदल रही है, उसका स्वरूप बदल रहा है, इस विस्तार को, इस बदलाव को कैसे देखते हैं? अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है और हम समस्त सनातन धर्मावलंबियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नगरी है। हमें लगता है कि पूरे भारत का तिलक है और आज अयोध्या के विस्तार को देख करके यहाँ के जितने भी लोग हैं बहुत ही प्रसन्नचित और आह्लादित हो रहे हैं। और यहीं के लोग नहीं, अभी तो मैं विदेशों से लौट करके आया, जहाँ तक देखा कि वहाँ कोई भी सनातनीय है तो अयोध्या जी में श्री रामलला की स्थापना को देखते हुए वो इतना भावुक हो रहे हैं। सभी लोग यहाँ आना चाहते हैं और यहाँ के विस्तार को और यहाँ की योजनाओं को देख करके वहीं पर मंत्रमुग्ध होकर के भगवान श्री राम के चरणों में प्रीति और अत्यधिक कर रहे हैं। बहुत अद्भुत आनंद आ रहा है और अयोध्या जहाँ पर राम जैसा कोई योद्धा न हो, यहाँ तो अद्भुत आनंद ही आनंद का वर्षण हो रहा है। आपके पास लौटता हूँ, महाराज एक बार अपना परिचय दे दें। जगत गुरु कर्पात्री जी महाराज के नाम से मुझे जानते हैं, अयोध्या का ही वासी हूँ। और आपने जो प्रश्न किया, ये हमारे छोटे भाई हैं मुक्तामणि जी, बहुत अच्छे भागवत के वक्ता हैं, मानस के भी वक्ता हैं। राम जी की पहचान तो अयोध्या से है, लेकिन अयोध्या की पहचान किससे है? तो अयोध्या की पहचान सरजू से है कि अवधपुरी ममपुरी सुहावन अवोत्तर दिशि बह सरजो पावन। और यह हमारा जो अयोध्या है, आप केरला कर्नाटका महाराष्ट्र मध्य प्रदेश चले जाइए, आपके प्रश्नों का समाधान नहीं हो पाएगा। यदि आपके प्रश्न का कोई उत्तर देगा तो हम मात्र एक प्रदेश, इसका नाम उत्तर प्रदेश है। इसका नाम इस नाते उत्तर प्रदेश है कि आपके सारे प्रश्न का उत्तर ए दे सकता है। और जो है 22 जनवरी हो रहा है, तो 22 जनवरी में जो मानस में भी लिखा है कि सुमति भूमि थल हृदय अगाधो अवेद पुराण उदधि घन साधु। 18 पुराण और 4 वेद, ये संख्या कितनी हो गई? 22। इस नाते प्राण पुस्तक किस दिन हो रही है? 22 को 18 पुराण और 4 वेद। और जनवरी मतलब होता है कि परमात्मा कहते हैं अब मैं आ रहा हूँ, अब मुझसे कोई जनवरी नहीं रह पाएंगे, हम सबके साथ मिलेंगे। कैसे? कि अमित रूप प्रगटे ते ही काला और जथा जोग मिले सब ही कृपाला। लेकिन मैं जगतगुरु होने के कारण प्रभु से एक प्रश्न किया कि आप 72 साल तक टेंट में रहे और आप अयोध्या नहीं आए, क्या आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि आप अयोध्या में आकर के अपने निवास भर सकते थे? कहें सामर्थ्य मेरे पास सब कुछ है, मैं परमात्मा सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जब यहाँ मानव के रूप में आता हूँ तो एक मर्यादा होती है। हमने कहा 72 साल के बाद क्यों आ रहे हैं? कहें 72 साल तक मुझको लाने के लिए कोई साधु ही नहीं मिला। और हम जब भी यात्रा करते हैं, या तो वशिष्ठ के साथ यात्रा करते हैं, या तो विश्वामित्र के साथ यात्रा करते हैं, कि भारत का प्रधानमंत्री मेरा मित्र है, भारत का प्रधानमंत्री मेरा मित्र है, भारत का प्रधानमंत्री मेरा मित्र है, इस कारण ये प्रलक्षित होता है कि विश्व अस्य मित्र है या ससह विश्वामित्र है। जो पूरे विश्व का मित्र हो वो विश्वामित्र के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। और हमारे जोगी जी हैं, ये वशिष्ठ की भूमिका में हैं, वशिष्ठ नाते भूमिका हैं। जब भी गोरखपुर से अयोध्या आते थे उनके बड़े गुरुदेव जोगी अवैधनाथ जी, अरे जोगी अवैधनाथ जी नहीं, एक पीढ़ी और यहाँ की परंपरा चल रही थी वो, और जो अवैधनाथ यहाँ आते थे तो बीच में एक स्थान पड़ता है बस्ती, जानते किसे? जी बस्ती, बस्ती वशिष्ठ जी की भूमि है, वशिष्ठी बस्ती के ही रहने वाले हमारे वशिष्ठ जी थे, तो मुलाकात होती थी, आकर के यहाँ संपर्क लिया, तो अयोध्या में हम लोगों ने संगम लिया। लेकिन एक गलती हम लोगों ने किया है, बहुत बड़ी गलती किया, मैं चैनल माध्यम कहना चाहता हूँ। गलती ये कि 500 साल तक हम केवल ओम शांति भागवत महापुराण में शांति बनाए रखो, तो 500 साल तक इन लोगों ने हमारे शांति का फायदा लिया। अब हम कहते हैं अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं, अब जगशाला में ओम शांति बोलो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, वेद पढ़ो पुराण पढ़ो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यदि राम के ऊपर कोई उंगली उठावे, देश के ऊपर कोई उंगली उठावे, वंदे मातरम को उंगली उठावे, तो जगशाला छोड़कर बाहर निकलो और नौजवानों को पकड़ के कहो
अब ओम शांति नहीं, अब हम लोग बोलेंगे ओम क्रांति, ओम क्रांति, ओम क्रांति बोलेंगे, तब राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा। मैं आता हूँ महाराज जी। 22 तारीख वो ऐतिहासिक दिन है जो युगों युगों तक याद किया जाता रहेगा, क्योंकि युगों युगों के बाद ये तारीख आई भी है। 22 दिसंबर को ही 1949 में रामलला जी वहाँ पर प्रकट हुए थे और 22 जनवरी को ही फिर से प्रभु श्री रामचंद्र जी वहाँ पर विराजमान होने जा रहे हैं। इसके लिए शब्द कम पड़ जा रहे हैं, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं। कुल मिलाकर के बहुत उछाह भवन अति थोरा, मानो उमग चला चहोरा, संपूर्ण विश्व में यह प्रेम जो है वो उमड़ करके जत्र तत्र सर्वत्र बिखरा हुआ है, फैला हुआ है। और निश्चित रूप से 22 तारीख की तिथि की बड़ी व्यग्रता से हम सब लोगों को प्रतीक्षा है, जब सपना हमारा साकार होगा, जब पीढ़ियों का संघर्ष सफल होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी या वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा, क्या अयोध्या का वो वैभव लौटता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? अयोध्या का वैभव लौट चुका है। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी। पूरी प्रकृति जगत ने अपना श्रृंगार किया था प्रभु के आगमन के उपलक्ष में, उसी प्रकार से अयोध्या का कण कण सज रहा है, संवर रहा है और सज संवर करके बिल्कुल तैयार है प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगमन की प्रतीक्षा में। और निश्चित रूप से यहाँ का कण कण आह्लादित है। आता हूँ महाराज जी, पर परिचय दें अपना। महामंडलेश्वर श्री विष्णुदास जी मेरा नाम है। जो पूरी विष्णुदास जी, मेरा प्रश्न ये है कि राम राज बैठे त्रिलोका, वो भाव जो है वो मुझे अयोध्या में यहाँ घूमते हुए दिखाई देता है। आपके चैनल के माध्यम से सभी को साधुवाद देता हूँ और पहले मंत्र और श्लोक, उसके बाद आपका जवाब। सीता नाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जब भगवान श्री राम ने 14 वनवास काट के आ रहे थे, उस समय अयोध्या वासियों की आंखों में आंसू और भरत जी इंतजार कर रहे थे कि मेरे भैया कब आएंगे। इसी सरयू के तट पे मेरे भरत जी बैठे हुए थे और निर्मल धारा सरयू जी की बहती थी और उसका पान करते थे और राम को देखने के लिए उनकी आंख तरस गई थी।